हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियोज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक पेज को अगर आप चलाते हो उस पर आप वीडियो अपलोड करते होगे, क्योंकि दोस्तों आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तभी हमारी इस वीडियो को आप देख रहे हो। अगर फेसबुक पेज में आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन होता है, तो दोस्तों वहाँ पे आप एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हो। तो वो कॉन्टैक्ट नंबर देखिए व्हाट्सअप नंबर भी हो सकता है, क्योंकि आप व्हाट्सअप चलाते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आप वो भी डाल सकते हो, या फिर अदर नंबर भी आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट की जगह पर नंबर को डाल सकते हो। तो वो कॉन्टैक्ट नंबर है आपके ऑडियंस को दिखता है, ठीक है। तो ऑडियंस आपकी उस पर कॉल करते हैं आपको, ठीक है। तो वो नंबर को आप किस प्रकार से हाइड कर सकते हो वो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर को हम किस प्रकार से हाइड कर सकते हैं। आपका नंबर पड़ा रहेगा लेकिन आप किसी ऑडियंस को वो नंबर दिखेगा नहीं, यानी शो नहीं होगा। तो वो आज की इस वीडियो में हम बात बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो को आखिर तक वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है कि कॉन्टैक्ट नंबर को हम किस प्रकार से हाइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, जिन भाई लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इंटरेस्टिंग नॉलेज ही मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आ जाना है। आने के बाद आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही फ्रेंड हम इसे ओपन कर लेते हैं, उसकी कुछ बाद यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थ्री लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपका जो भी पेज है उस पेज को आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, तो ठीक है। तो इस वाले पेज पे हम ओपन कर देते हैं और हमारा ये पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद पेज ओपन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है और आप यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको मैं बता दूँ, अगर दूसरा बंदा कोई हमारा पेज को देखेगा तो उसको कैसा मालूम होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर व्यू मोड पर क्लिक कर देना है। तो ये व्यू मोड का ऑप्शन है, इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये नंबर है, नंबर दूसरे बंदे को अभी दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको वैक आना है। वैक आने के बाद अब आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने इस नंबर को हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो यहाँ पे हम थ्री डॉट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इधर को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर का। यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों मोर का, तो इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद एक नया पेज ओपन होता है। अब दोस्तों आपको मोर पे पहुंचने के बाद कुछ इस प्रकार का एक नया पेज ओपन होता है। अब नया पेज ओपन होगा, उसके बाद आपको नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देते हो, वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, उसका नाम है एडिट पेज इन्फो, ठीक है। अब इस पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपकी जो पेज की जितनी भी इन्फो है, वो जानकारी है, वो सब आपके सामने आ जाती है। अब दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फ़ोन नंबर लगा हुआ है ये फ़ोन नंबर, और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है ये व्हाट्सअप नंबर है। तो व्हाट्सअप नंबर से हमें यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर इस वाले नंबर को छिपाना है, ठीक है, इसको हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए अब आपको इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे नंबर अगर दूसरा डालना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर वहाँ पे अगर सेकंड नंबर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर भी डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे और कोई भी चीज़ लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आता है टिक लगाने का, ठीक है। तो इस पर आप जैसे एक बार टिक लगा दोगे तो आपका नंबर है जो फेसबुक पेज से हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी हम इस पर एक बार टिक लगा देते हैं। अब टिक लगाने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पे लिखा है माय पेज डोंट हैव ए फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ से जब इस पर आप टिक लगा दोगे तो आपका जो नंबर है वो फेसबुक पेज के द्वारा हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमने टिक लगा दी, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव का, ठीक है। तो इस सेव वाले ऑप्शन पे हमें एक बार क्लिक कर देना है और हमें अपने इस सेटिंग को सेव कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों हम इसको सेव कर देते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो, यहाँ पे हमारा हाइड हो चुका है इस प्रकार से। अब आपको वैक आना है। वैक आने के बाद आप अपने पेज पे आ जाते हो, ठीक है। पेज पे आने के बाद अब आपको दोबारा कैसे व्यूमोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब अगर दूसरा कोई बंदा देखेगा तो उसको कैसा नज़र आएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारा जो पेज था वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। दोस्तों देखिए इस प्रकार से देख सकते हो हमारा जो पेज का जो नंबर था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पेज का नंबर को हाइड कर सकते हो, छिपा सकते हो। अगर वीडियो में आपको थोड़ी भी नॉलेज समझ में आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा। और अगर फ्रेंड किसी भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।